नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवास न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। ग्राम पंचायत मिस्त्री गांव कैरई विकास खंड कायमगंज जनपद फरुखाबाद के गांव कैरई में गौमाता में लंपी वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। जिस गांव में लगभग 200 से 250 गाय हैं, जिनमें लगभग 50 से 100 गांव में लंपी वायरस फैल चुका है, जबकि गांव वालों के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। डॉक्टर सुखदेव को जानकारी हुई, उन्होंने अपनी पूरी टीम भेजकर पूरे गांव में टीकाकरण करवाया। गांव के ही लोग कोई भी सहयोग करने के लिए तैयार नहीं होते। 10 नवंबर 2022 को डॉक्टर सुखदेव को सूचित किया गया, उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी टीम मौके पर भेजी। जिन लोगों की गाय खूंटे पर बंधी थी, उनकी लंपी वायरस का टीका लग चुका है, लेकिन जो गाय छुट्टी हुई थी उनके लिए गांव वाले सहयोग करने के लिए तैयार नहीं हुए, जिससे उनके भी टीका लग जाता और जो गौमाता बुरी तरह से जख्मी थी उनमें कुछ को तो टीका भी लगाया गया है और ट्रीटमेंट भी किया गया। गांव वालों ने सहयोग नहीं किया है, जिससे कुछ गांव माता बुरी तरह से जख्मी थी उनका भी इलाज हो जाता, लेकिन गांव वाले कोई भी इलाज कराने के लिए आगे नहीं आए। क्या नाम है आपका? राम नरेश। ये गांव का नाम क्या है? कह रही। ये कौन से जिले में पड़ता है? जिला फरुखाबाद। क्या हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे इतनी गांव में गायों में महामारी फैली हुई है ना, यहाँ कोई सरकार ने कोई सुविधा नहीं दे रही है ना, इनकी देखभाल कोई नहीं दे रही है। ना कोई गौशाला है, ना इनका कोई रक्षक है, ना इनका कोई देखने वाला है, ना पूरे क्षेत्र में इतनी महामारी बेहिसाब फैली हुई है कि गाय कम से कम 10-20 तो गाय मर चुकी हैं और कई मरने वाली हैं और कई पड़ी हुई हैं। यही है। और बाकी जो गाय, ये गाय जो माता जो अभी मर रही हैं, वो भी कहाँ, आप लोग क्या कर रहे हो उनका, मतलब कहाँ दफना रहे हो? अब दफना के आ रहे हैं, कई गांव वाले इकट्ठे होके दो चार लड़के इकट्ठे किए, उनको जमीन में गड़वा दिया, या फिर मतलब कहीं हार में मर गई तो हार में पड़ी रहती हैं बेचारी, उनका क्या होगा? गाँव में जो मरती हैं उनको मतलब लड़के इकट्ठे करके और उनसे गड्ढा खुदवा के उन्हें दफनवा देते हैं। तो सरकार का मतलब हेल्प करने आई वहाँ से? सरकार हेल्प नहीं करने आई है। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए परमार्थ आवाज़ न्यूज़।